नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। ये एक नई सीरीज़ है और सीरीज़ का नाम मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको अपकमिंग फ़ोन या फिर जस्ट लॉन्च फ़ोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन लॉन्च होने के बहुत बाद मेरे पास फ़ोन पहुँचता है और उस वक्त सबको पता पड़ चुका होता है कि फ़ोन के अंदर क्या होता है। तो ये वाली सीरीज़ जो है वो बेसिकली इसी चीज़ पर फोकस करेगी, जो कि न्यूली लॉन्च फ़ोन है, अपकमिंग फ़ोन्स या फिर जो भी फ़ोन मार्केट में आने वाला है उसके ऊपर। तो अभी फ़िलहाल आज के ही दिन एप्पल का इवेंट हुआ था, जिसके अंदर एप्पल ने फ़ोन्स लॉन्च करे हैं। उन्होंने 3 फ़ोन लॉन्च करे हैं, उसका नाम है एप्पल आईफोन XS, आईफोन XS Max और आईफोन XR। साथ में उन्होंने एप्पल सीरीज़ की वॉच 4 लॉन्च भी करी है। तो आज अपन इन सब के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्च इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ और आपको कितनी किडनियाँ सेल करनी पड़ेंगी इन फ़ोन्स को खरीदने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाई। Now let's talk about iPhone. तो हर साल की तरह एप्पल इवेंट के अंदर मेनली आईफोन्स के ऊपर ही जो है वो मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और इस साल भी एप्पल ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा है अपने आईफोन्स लॉन्च करते हुए। इस बार उसने 2 जो मेन आईफोन निकाले हैं वो हैं XS और XS Max। जो XS है वो डायरेक्ट अपडेट है वही वाला आईफोन X का जो अपन यूज करते हैं। उसकी 5.8 इंच की OLED डिस्प्ले है जो कि काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन जो XS Max है उसके अंदर 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले आती है जो कि मैसिव है, बहुत ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है, और सबसे अच्छी बात है कि वो भी OLED पैनल ही है। दोनों के दोनों आईफोन के अंदर 3 कलर आएंगे, गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ग्रे। गोल्ड आईफोन X में नहीं आता था, अगर आप गोल्ड वाला कलर खरीदते हो तो आपको सबको पता पड़ जाएगा कि आपके पास जो है वो आईफोन XS है और आईफोन X नहीं है पुराना वाला। 64GB, 256GB और 512GB वाले वेरिएंट्स हैं इन दोनों के दोनों फोन्स में अवेलेबल। IP68 की वाटर रेजिस्टेंस है इसके अंदर, जिसमें आपके 2 मीटर से ज्यादा 30 मिनट तक आराम से डुबा सकते हो, फोन को कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो भी अच्छे हैं, स्टीरियो साउंड इसमें अच्छी आया करेगी और फेस ID भी फास्टर होगी, लेकिन ज़्यादा फास्टर नहीं होगी, बस हल्की सी फास्टर होगी आईफोन X के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा शानदार बात यह है आईफोन्स की इस साल की कि उसके अंदर A12 की बायोनिक चिप आती है, जो कि वाकई में सबसे ज़्यादा एडवांस चिप है अभी तक की, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इसके अंदर हर जगह पर सीरी के शॉर्टकट्स दे रखे हैं ताकि आगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, और ये वाले आईफोन्स जो होंगे वो 30% फास्टर काम करेंगे। XS और XS Max के अंदर आपको पीछे की तरफ 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। दोनों के दोनों कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के हैं, एक वाइड लेंस कैमरा है और एक टेलीफोटो लेंस कैमरा है। साथ में हर साल की तरह इनका न्यूली इंप्रूव्ड फ्लैश भी आता है। जो आगे का कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर डेप्थ सेंसर को इंप्रूव कर रखा है, तो आपको जो सेल्फीज होंगे वो बहुत ज्यादा शानदार आएंगे। नया फोटो एडिटिंग का फीचर भी आया, जैसे आप डेप्थ ऑफ फील्ड को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि पहले एंड्रॉइड फोन्स में आ चुका है लेकिन इस बार आईफोन के अंदर भी आया है। इनका 4K कैमरा भी इन लोगों ने इंप्रूव कर दिया है, और साथ ही साथ 2012 का फीचर इसके अंदर डुअल सिम कार्ड भी लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है वाकई में। XS की जो बैटरी है वो 30 से 35 मिनट ज्यादा लास्ट करेगी पिछले साल के आईफोन X के मुकाबले, लेकिन वो सिर्फ पेपर के ऊपर है, हो सकता है कि इससे कम या इससे ज्यादा भी मैनेज कर सकती है, वो आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। और पहले ही बता दूं कि ये वाला आईफोन जो है वो बिल्कुल भी चीप नहीं है, अगर US के अंदर ही 64 से 80,000 तक के मिल रहे हैं तो फिर अपने इंडिया के अंदर ये 1,20,000 तक भी जा सकते हैं। कौन नया आईफोन जो है इन दोनों के साथ जो लॉन्च हुआ है, इनका बच्चा, इसको कहते हैं ये लोग आईफोन XR। मुझे नहीं पता कि R की फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन ये वाला फोन के लिए इंडियंस जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये वाला फोन अभी तक का सबसे ज्यादा सस्ता, इसके अंदर वो सब कुछ है जो उन वाले आईफोन्स के अंदर आता है, बट जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है इसकी वो बहुत ज़्यादा वाहियात है। इसके अंदर 6.1 इंच की IPS LCD डिस्प्ले आती है, इसको ये लोग लिक्विड रेटिना डिस्प्ले बोलते हैं, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये मान लो 1792x828 का ये लोग रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप फुल HD वीडियोस भी नहीं देख सकते इसके ऊपर 1080p के अंदर जो आती हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा डाउन पॉइंट है। लेकिन इसके मुकाबले में इसकी जो प्राइस है वो भी कम होगी, और साथ में इसके पीछे सिंगल कैमरा आता है, कोई डुअल कैमरा नहीं आता है, तो कैमरा की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी जो कि XS और XS Max प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन काफी ज्यादा अच्छी इसके अंदर आईफोन होगा, और इसकी सेल्स भी मेरे ख्याल से उस वाले आईफोन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि पहली बात तो ये हल्का सस्ता होगा, और सेकंडली हमने इंडियंस मेनली आईफोन को ऐसे नहीं खरीदते कि उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, बस वो एप्पल का लोगो देखते हैं, और ये वाला एप्पल का लोगो आईफोन XR का आईफोन XS वगैरह से ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो ये ऑब्वियसली इसी के लिए ही जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आईफोन XR जो है वो 6 कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, कोरल, येलो और रेड। सारे सारे कलर्स के अपने अलग अलग फायदे हैं, और मैं खुद ब्लैक ही प्रेफर करूंगा ऑब्वियसली। इसके जो स्टोरेज मॉडल्स आते हैं वो 64GB का, 128GB का और 256GB का आता है, इसमें कोई 512GB का कोई भी वेरिएंट नहीं है। ये IP68 वाटरप्रूफिंग के साथ नहीं आता है, इसके अंदर IP67 वाटरप्रूफिंग है, और इसके अंदर एक ही कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल का, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन इस वाले कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड आता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे की तरफ वही कैमरा है, वही फेस ID है, उसी स्पीड से खुलता है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं।
और यूएस के अंदर $749 का मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ इंडिया के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 70,000 तक का तो पड़ेगा ही सही। साथ ही साथ एप्पल ने एप्पल वॉच भी रिलीज करी है सीरीज 4 की, तो उसके ऊपर भी हल्की सी डिटेल्स देख ही लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये सीरीज 4 के अंदर की, इसके अंदर आपको H2S डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि अभी तक की किसी भी एप्पल वॉच के अंदर नहीं आई थी, जो कि इसको वाकई में बहुत ज्यादा इमर्सिव और शानदार लुक देती है। 30% लार्जर स्क्रीन है इसके अंदर, अगर पहले की एप्पल वॉच के बारे में अपन बात करें तो 40mm टू 44mm के इसके अंदर आ जाएंगे, और ये भी काफी ज्यादा कलर्स में अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर गोल्ड स्पेस ग्रे विद एल्युमिनियम फिनिश, और गोल्ड सिल्वर एंड स्पेस ग्रे बैक स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ भी अवेलेबल है। 18 hour ऑल डे बैटरी लाइफ के साथ ये आती है, विद आउटडोर वर्कआउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 hours, और साथ में इसके अंदर डिजिटल क्राउन भी आता है, जो कि हैप्टिक फीडबैक भी बहुत ज्यादा शानदार देता है, और एक बड़ी पतली सी लाल कलर की रिंग है इसके अंदर। इसके अंदर जो स्पीकर है वो पहली जनरेशन से कम 50% लाउडर है, और इसके अंदर चिप आती है वो नई S4 की चिप आती है, सीरीज 3 के मुकाबले में कम से कम 2 गुना ज्यादा तेज काम करती है। इसके अंदर नई किस्म की वर्कआउट ट्रैकिंग और बैटरी रन की ट्रैकिंग दे रखी है, जो एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप है वो कम से कम 8 गुना ज्यादा तेज काम करते हैं। तो अभी तक की जब मैंने सीरीज 3 की वॉच ट्राई करी थी, तब बेस्ट वॉच थी अगर आप ऐसे करते हो तो, मतलब टाइम दिखाती ही है, और इसके अंदर ये लोग बोल रहे हैं 50% तेज काम करेगी, तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। ऑटोमेटिक फॉल डिटेक्शन भी है, क्या कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को अलर्ट कर देता है कि आपको कुछ हुआ है, और बाकी जो पहले हार्ट रेट वगैरह का जो सारे फीचर्स थे वो तो है ही सही एप्पल वॉच 4 के अंदर भी। मेनली हेल्थ पर ही फोकस करी गई है, और हेल्थ के बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। जो नया इसके अंदर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आया है, वो नोटिफिकेशन तो बता ही देता है जब भी आपकी लो हार्ट रेट होती है, या फिर आपके हार्ट के अंदर कोई रिदम महसूस होती है इसको, और बहुत सारे नए नए कूल फीचर्स हैं इसके अंदर। शानदार बात यह है कि इसकी वॉच के अंदर इन लोगों ने ECG भी प्रोवाइड करा है, जो कि देखा जाए तो पहला प्रोडक्ट है ECG के साथ जो कि मार्केट में अवेलेबल हुआ है। और कुछ भी नहीं करना, बट डिजिटल क्राउन के ऊपर 30 सेकंड तक अपनी उंगली रखनी है, और आइए आपको आपकी ECG रिपोर्ट बता देगा। एप्पल वॉच सीरीज 4 भी कम से कम 40,000 से 50,000 तक तो जाएगी सही इंडिया के अंदर, और बाकी सब कुछ मैं आपको कवर अप करूंगा अगर मेरे को ये सारे फोन रिव्यू करने का कोई भी मौका मिलता है, तो मैं आपको जरूर रिव्यू करके बताऊंगा। और इस नई सीरीज का नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे कैची सा नाम हो, क्योंकि टेक टॉक माय ओपिनियन अपकमिंग फोन्स वगैरह कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड और बहुत ज्यादा ओवरयूज्ड लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करो नाम सेलेक्ट करने में इस वाले सीरीज के लिए, और इस वाले सीरीज के एपिसोड 2 के अंदर मैं आपके लिए दूसरे किसी फोन के बारे में आऊंगा जो कि रिलीज हो चुका है, रिलीज होने वाला है। एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, भाइयों स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जय हिंद भाइयों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।